अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इजाज अल शाह, लेक्चर इन मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। आज की वीडियो क्लास में हम एक्सरसाइज 2.7 इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यूज एनी सूटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy by dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एनी सूटेबल रूल यानी जो भी सूटेबल रूल हो हमने उससे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y is equal to 5 raised to power x plus 1, y is equal to e to power x under root, y is equal to e to power x minus x plus e to power x whole square, and d y is equal to e to power 3x plus 1 whole to power 4, and y is equal to x e to power x natural log of x। तो हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में है y is equal to 5 की पावर x plus 1, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों को विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमारे पास आ गया dy by dx, और ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव हमने की है यानी 5 की पावर x प्लस 1, ये इसी तरह अब ये एक ही जगह पे है, नेचुरल लॉग ऑफ 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट x प्लस 1। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया dy/dx इज इक्वल टू 5 की पावर x प्लस 1 इनटू नेचुरल लॉग ऑफ 5, और इस रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 की डेरिवेटिव और x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और 1 की डेरिवेटिव 0, यहां से 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास है b यानी y, b पॉट है, y इज इक्वल टू e की पावर x अंडर द रूट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव वही होती है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, यानी e की पावर x अंडर द रूट इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अंडर द रूट की जगह पे मैंने 1 ओवर 2 लिख दिया, यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया e की पावर x अंडर द रूट इनटू ये 1 ओवर 2 सामने आ जाएगा, और हमारे पास x की पावर 1 ओवर 2 से 1 कम करो तो हमारे पास -1/2, 1/2 से 1 कम हो जाएगा तो -1/2, यानी e की पावर x अंडर द रूट इनटू 1/2 x की पावर, ये -1/2 है, ये नीचे आके x की पावर +1/2 हो जाएगा, यानी e की पावर x अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 इनटू ये x रेस्ट पावर 1/2 जो है, 1/2 की जगह पे मैंने रेडिकल लगा दिया है, इसका रूट लगा दिया है, तो ये हमारे पास से इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव थी। अब मैं आ रहा हूं सी पॉट की तरफ, तो सी पॉट में हमारे पास है y is equal to e की पावर -x plus e की पावर x होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं और इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो हमारे पास ये देखो बाय पावर रूल ये 2 सामने आ जाएगा, e की पावर -x plus e की पावर x ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पे डेरिवेटिव विदाउट एक्सपोनेंट यानी e की पावर -x plus e की पावर x यानी विदाउट 2 हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 2 इनटू e की पावर -x plus e की पावर x इनटू e की पावर -x की डेरिवेटिव वही होती है, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट वो -1 आएगा, प्लस e की पावर x की डेरिवेटिव वही होती है, डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट वो +1 आ जाएगा, यानी रिजल्ट आ गया 2 इनटू e की पावर -x plus e की पावर x इनटू ये माइनस e की पावर -x और प्लस e की पावर x हो जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 इनटू e की पावर x, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस e की पावर -x इसको बाद में लिख रहा हूं, इनटू ये पॉजिटिव है इसको मैंने पहले लिख दिया और ये नेगेटिव है इसको मैंने बाद में लिख दिया। अब देखो dy/dx जो है ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx, दिस इज इक्वल टू 2 इनटू ये देखो ये a प्लस b और ये a माइनस b,
तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह पे है e की पावर x और हमारे पास b की जगह पे है e की पावर माइनस x स्क्वायर, यानी रिजल्ट आ गया 2 इनटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है d पार्ट, अब मैं d पार्ट को कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो d पार्ट में हमारे पास है y is equal to e की पावर 3x plus 1 whole की पावर 4, y is equal to e की पावर 3x plus 1 whole की पावर 4, ये हमारा d पार्ट है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर 3x plus 1 raised to power 4, 4 जो है ये बाय पावर रूल सामने आ गया, 4 into e की पावर 3x plus 1, इससे एक कम हो जाएगा वो 3 आ गया और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x plus 1 हो जाएगा। अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 4 into e की पावर 3x plus 1, ये होल क्यूब हो जाएगा into e की पावर 3x की डेरिवेटिव वही e की पावर 3x, इसके एक्सपोनेंट की डेरिवेटिव 3 आ जाएगी और 1 की डेरिवेटिव वो क्या है 0 है क्योंकि 1 कांस्टेंट है, तो 4 into 3 ये 12 हो जाएगा e की पावर 3x into e की पावर 3x plus 1 होल क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास आखिरी पॉइंट है y is equal to x, y is equal to e, यानी y is equal to x into e की पावर x natural log of x, differentiate both side with respect to x, तो इधर भी मैं with respect to x इसको differentiate करूंगा, x into e की पावर x natural log of x, ये देखो इसमें product rule है, इसमें क्या है product rule है, तो first function इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x मैंने किसकी डेरिवेटिव ली है x की डेरिवेटिव। अब देखो ये x e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेटिव वही आती है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट कौन है x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x और x की डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब एक दफा फिर देख लो हमारे पास यहां पे फिर क्या आ रहा है, यहां पे फिर प्रोडक्ट रूल आ रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है x e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू फर्स्ट फंक्शन इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड वो कौन है नेचुरल लॉग ऑफ x है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इसी तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वो कौन है वो x है और ये हो जाएगा e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगा। अब मैं इसको इधर कैलकुलेट कर रहा हूं, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है x e की पावर x यानी dy by dx is equal to x e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू ये हमारे पास हो जाएगा x इसी तरह। अब इस x के सामने क्या है नेचुरल लॉग है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर x हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर x और विदाउट लॉग x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x और x की जो डेरिवेटिव है वो 1 आएगी प्लस e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x हो जाएगी, ये x और ये x कैंसिल यानी x e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास आ गया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों से e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x को कॉमन करता हूं, e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x इसको मैंने कॉमन किया, तो यहां पे क्या रह गया, यहां पे सिर्फ x रह गया
इनटू, और ये रह गया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x रह गया, और इधर क्या रह गया, इधर हमारे पास 1 रह गया। यानी हमारे पास क्या है, e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये दोनों में कॉमन है, यहां पे सिर्फ x रह गया, तो x इनटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहां पे हमारे पास क्या रह गया, प्लस 1 रह गया, हमारे पास क्या रह गया, प्लस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।